बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भाई मूवी हिट कराने का सिर्फ एक फॉर्मूला पता है कि मूवी की जबरदस्ती की हाइप क्रिएट कर दो। उन्हें स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस से कोई लेना देना नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे भाई। ऐसी कुछ हाइप क्रिएट करने वाली अपडेट आई है जो बॉलीवुड की नई मूवीज आ रही है, आज उसके बारे में बात करेंगे। हाँ यार, आप मूवी रिव्यू के लिए एक सही जगह पर आए हो, क्योंकि यहाँ पर आपका दोस्त ना तो आपका काटेगा और ना ही ज्ञान बांटेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं शाहरुख चचा की जो नई मूवी आने वाली है जवान के बारे में। भाई इसकी भी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे पठान मूवी की करी गई थी, और पठान मूवी चलो हिट भी हो गई थी, तो यही वो इसके लिए भी करना चाह रहे हैं। देखो यार, सबसे पहले तो ये न्यूज़ थी कि भाई इन्होंने विजय सेतुपति को लिया है एज अ विलन इस मूवी में, और विजय सेतुपति बहुत मजे हुए एक्टर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तुमने अगर फर्जी मूवी देखी हो, ये वेब सीरीज जो आई थी, उसमें तुमने उनकी एक्टिंग के ग्लिम्प्स देख ही ली होंगी, अगर तुमने उनकी कोई साउथ की मूवी नहीं देखी है तो भाई वो जबरदस्त एक्टर हैं। और सुना है इस मूवी के लिए उन्हें 25 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जो उनकी अब तक की हाईएस्ट जो है डिमांड है किसी भी मूवी के लिए। इसके अलावा इस मूवी को जो है और ज्यादा हाइप क्रिएट करने के लिए इन्होंने अप्रोच किया था अल्लू अर्जुन को एज अ कैमियो रोल करने के लिए, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि भाई जो अल्लू अर्जुन है उन्होंने उस रोल को करने से मना कर दिया है। पहले ये हो गया था कि भाई नरेशन वगैरह हो गया था, उन्होंने सुन लिया था अपना रोल, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया है, तो ये इस मूवी को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि भाई अल्लू अर्जुन अगर मूवी से जुड़ जाते तो मूवी की हाइप बहुत अलग लेवल की हो सकती थी। खैर, इसी मूवी की दूसरी अपडेट ये आ रही है कि भाई IMDB पे ना इस मूवी का जो प्लॉट है वो लीक हो गया है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, अब ये लीक हुआ है, लीक किया गया है, ये तो देखो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे कोई चीज लीक हो नहीं सकती, लेकिन भाई ये एक जबरदस्ती की हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई है जवान मूवी की। यार अपनी मूवीज का हाइप बनाने में भाई शाहरुख चचा से कहीं भी पीछे नहीं है कार्तिक आर्यन, इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई वो एक नेक्स्ट सुपरस्टार होने वाले हैं। उनकी जो लास्ट मूवी थी शहजादा वो फ्लॉप हो गई थी, तो इसीलिए उन्होंने जो नेक्स्ट मूवी का अपना टीजर रिलीज किया है वो भूल भुलैया 3 का ही कर दिया। और हालांकि ये मूवी जो रिलीज होगी वो 2024 में दिवाली में जाके रिलीज होगी, लेकिन भाई कार्तिक आर्यन नहीं चाहते कि उनका लोग जो है नाम भूल जाए, इसीलिए उन्होंने जल्दी ये टीजर रिलीज कर दिया, क्योंकि भाई लोगों का जो है प्यार कम ना हो जाए शहजादा की फ्लॉप की वजह से। बड़ा हरामी हो बेटा। तीसरी अपडेट है हेरा फेरी 3 के लिए। भाई वैसे तो इस मूवी की हाइप क्रिएट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मूवी का हाइप ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन तब भी जो अक्षय कुमार का इस टाइम करियर की हालत चल रही है, मुझे लग रहा है इसके मेकर्स को ऐसा लग रहा है कि उससे इस मूवी पे असर ना पड़ जाए, इसीलिए इस मूवी में एक और नए बंदे को शामिल करने की बात सुनने में आ रही है। संजय दत्त को लिया जाएगा इस मूवी में एज अ विलन। तो भाई ये जो है एक जो नया कैरेक्टर संजय दत्त को लिया गया है उस पर मुझे तो बड़ा डाउट है, क्योंकि संजय दत्त की कॉमेडी ना कोई इतनी खास है नहीं, तुमने उनकी बहुत सारी कॉमेडी मूवी देखी होंगी, वो बस सिचुएशनल कॉमेडी होती है इसीलिए उसमें हंसी आती है, बाकी वो उनका जो इनपुट है वो इतना ज्यादा होता नहीं। तुम्हें क्या लगता है, इन अपडेट से इन मूवीज को कुछ बेनिफिट होगा या नहीं, मुझे कमेंट में बताना। और अगर इस वीडियो में मजा आया हो तो इस वीडियो का यार लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।